जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण गोचर के बारे में जो 18 साल बाद हो रहा है, यानी राहु केतु का। देखा जाए तो 18 साल बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को 18 महीने के लिए राशि चेंज करने वाले हैं और धनु राशि पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और डिटेल में मित्रों दोनों ग्रहों की चर्चा करेंगे कि राहु का इफेक्ट क्या रहेगा और केतु का इफेक्ट क्या रहेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव काटेगा या पॉजिटिव को नेगेटिव काटेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिला के दोनों के ट्रांजिट से आपको कैसा फल देगा, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि वाले अपनी ये कुंडली देख लें। तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 30 अक्टूबर को जो ट्रांजिट होगा वो देखा जाए तो मेष राशि से, यानी उल्टे वक्री गति में राहु उल्टे चलते हैं और मीन राशि में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं केतु तुला राशि से अगर देखा जाए तो कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, साथ ही साथ केतु आपके दशम भाव में बैठेंगे। तो पहले तो राहु जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर स्टूडेंट के लिए, यानी जो विद्यार्थी हैं उनकी देखा जाए तो पढ़ाई में पारिवारिक क्लेश के कारण, मन भटकाव के कारण, स्वास्थ्य में दिक्कतों के कारण आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आएगी, पढ़ाई में विघ्न बाधा आती रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। नौकरी में भी बाधा, पद प्रमोशन में भी बाधा रहेगी, साथ ही साथ चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है तो आपके अंदर बड़ी बेचैनी सी रहेगी, आप बड़े बेचैन रहेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, साथ ही साथ विदेशी काम में भी आपको नुकसान होगा, या विदेशी काम या विदेश जाने के जो योग है, विदेश संबंधी काम में भी आपको असफलता मिलेगी। यानी राहु का ट्रांजिट यहाँ ना तो विद्या के लिए अच्छा है, ना करियर के लिए अच्छा है, ना विदेश के लिए अच्छा है, और इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, ये तो मैं आंशिक रूप से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर राहु तो बहुत ख़राब है, तो क्या ये 18 महीने आपको यही रिजल्ट मिलेगा, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राहु अकेले रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन उसी दिन, उसी सेकंड, उसी तारीख को, उसी सन को, उसी घंटे को, उसी मिनट को, उसी सेकंड को केतु भी तो ट्रांजिट कर रहा है। तो ये नहीं बोलना है कि राहु और केतु देखा जाए तो एक देखा जाए तो जिस्म और दो जान है, यानी कि दोनों आपस में अगर देखा जाए तो एक ही शरीर है, उसके दो हिस्से हैं, लेकिन दोनों में आपस में नहीं बनती है, यानी एक पॉजिटिव रहता है और एक सप्तम भाव में रहकर सम सप्तक योग बनाता है, एक नेगेटिव रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता मित्रों कि एक दोनों ही ग्रह आपके लिए नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर केतु दशम भाव में देखा जाए तो दशम भाव कुंडली में 12 हाउस में सबसे पावरफुल जो स्थान होते हैं वो लगन, पंचम, दशम और एकादश होते हैं। तो कुल मिला के दशम भाव में जो केतु बैठ गए हैं वो बहुत पॉजिटिव है, यानी जहाँ पर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उसके नेगेटिव रिजल्ट को भी काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु पावरफुल हो गए हैं, यानी राहु इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाएगा आपके जीवन में जितना केतु शुभ है। यानी कुल मिला के रेशो में देखूँ तो केतु का जो आपको 80% सुफल मिलेगा और राहु का 20% आपको नेगेटिव फल मिलेगा। क्या मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। विद्या, करियर, पद प्रमोशन में बाधाएं तो बहुत सारी आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा के कारण आप उस बाधा को पार कर जाएंगे। विद्यार्थियों वो बीमार हो जाएंगे, घर में कोई दिक्कत रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, जिस वजह से आपके सारे काम रुकावट के बाद भी बन जाएंगे, राहु यहाँ पर बाधा पहुँचाएगा। इसी प्रकार से कारोबार में भी देखा जाए तो बड़े शत्रु आपके पीछे बढ़ जाएंगे, बहुत लोग आपके काम को डुबाने की साजिश करेंगे, जादू, टोना, टोटका, जिस चीज़ का सहारा लें आपके काम डाउन करने को, क्योंकि राहु केतु पिशाच का कारक भी होता है, तंत्र का कारक भी होता है, आपके काम डाउन करने के लिए जो आपके अपोनेंट है, आपके शत्रु हैं, वो पूरा सहारा लेंगे, कुछ हद तक वो सफल भी होंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा आपको कि काम रुक गया है एक दो महीना, लेकिन उसके बाद आपका काम केतु के कारण उससे भी दुगनी तेजी से आपका बढ़ जाएगा, यानी कि नई जगह से भी, नए स्रोत से भी आपका काम बढ़ जाएगा, यानी जो वो तंत्र मंत्र कहेंगे उसका प्रभाव 2-3 महीने तक रहेगा, उसके बाद तो दुगना ही मिलेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो पुराने मामले हैं आपके,
यानी कि पुराने कोर्ट केस के मामले हैं, पुराना कोई मामला चल रहा है, तो वो पुराने मामले भी आपके शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश संबंधी जो काम है या विद्या संबंधी काम है उसमें भी थोड़ा बाधाएं रहेंगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि दूसरी बार प्रयास करने से या दूसरी बार प्रयास करने से आपके कुल मिला के काम सफल होंगे। तो कुल मिला के राहू सिर्फ 20% ये करेगा कि बाधा पैदा करेगा, आपके आत्मशक्ति को कमज़ोर करेगा, आपके आत्मबल को कमज़ोर करेगा, व्यवधान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पर यदि आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ लोग तो ऐसे ही क्विट कर जाएंगे कि मेरे बस की नहीं है, लेकिन जो लगे रहे वीर तुम अड़े रहो धीर तुम अड़े रहो, यानी जो व्यक्ति अड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको दुगुना तिगुना फायदा केतु के दशम भाव होने से मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर राहु बहुत बुरा है लेकिन केतु उतना ज़्यादा शक्तिशाली है, पॉजिटिव ग्रह, तो आपके साथ पॉजिटिव ही 18 महीने होंगे। आपको बड़े अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस बनेंगे, आपका व्यक्तित्व सुधर जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कुंदन आग में तपकर ही सोना होता है। तो आप में राहु बड़ी परेशानी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला है, लेकिन सोना आग में तपके ही कुंदन आग में तपके ही सोना बनता है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।